बेटा अब इस पास एडजस्टमेंट पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है, आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, यानी पार्टनरशिप अकाउंट ड्रॉन अप हो चुका है एंड द बुक्स क्लोज ऑफ, और बुक क्लोज हो चुका है, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded, ठीक है ना। 8% interest on capital at the partnership agreement provided था, देना वो record करना भूल गए। It is discovered, क्या लिखा है, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. कैपिटल ऑफ ए बी सी एट द बिगिनिंग ए 8 लाख, बी 4 लाख एंड सी 3 लाख, द रेशियो ऑफ ए बी सी इज 2:1:1, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। बैलेंस शीट में अल्टरिंग करने के बजाय आप उसका एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए, ठीक है ना। समझिएगा बेटा कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया गया। इससे हुआ क्या होगा, 8% इंटरेस्ट देना था, अगर दिया गया रहता तो उतने से हमारी प्रॉफिट कम हुई रहती, हुआ रहता कि नहीं हुआ रहता, यानी कि उतने से हमारी प्रॉफिट बढ़ गई और ये लोग उस बढ़ गई तो उस उतने प्रॉफिट को इन लोगों के इस प्रॉफिट लॉस रेशियो के अनुसार इनके खाते में क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है ना। तो किसी को ज्यादा मिला होगा या किसी को कम मिला होगा, तो हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, उसके अनुसार देखते हैं किसको ज्यादा मिला, इसको ज्यादा मिला होगा उसको डेबिट कर देंगे, इसको कम मिला होगा उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो इंटरेस्ट केवल एक ट्रांजेक्शन ओमिटेड हुआ है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट, 8% से। इनका कैपिटल कितना, 8 लाख, 8 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 64,000, और 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 32,000, और 3 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 24,000, टोटल कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0, 4, 2, 8, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 7, 3, 10, 2, 12, 1,20,000, कितना हो गया, 1,20,000, यानी 1,20,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या करेंगे, इसमें से हम डेबिट कर देंगे, यानी कि 1,20,000 डेबिटेड इन द रेशियो ऑफ क्या रेशियो, 2:1:1, ओके। तो 2, 3, 4, 3, 12, 3, 2, 6, यानी 60,000, आइए कितना हो जाएगा आपका, 30,000, और इनका हो जाएगा 30,000, और ये हो जाएगा 1,20,000, डेबिट कर दिया गया। अब हम माइनस कर देंगे, देखें क्रेडिट जाता है कि डेबिट जाता है, 64 में से 60,000 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 4,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट जाता है। 32,000 में 30,000 माइनस हो जा रहा है, बचा कितना, 2,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट ज्यादा है। 24 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो यहां पर डेबिट ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये 6,000 ये डेबिट हो गया, क्लियर ना। और यहां पर ये नील हो गया, तो जनरल एंट्री क्या बन गई, जो डेबिट उसको डेबिट कर दीजिए, जो क्रेडिट उसको आप क्रेडिट कर दोगे, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और आपका 2B's कैपिटल अकाउंट है, क्लियर है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, और आपका A का कितना हो जाएगा, 4,000, B का कितना हो जाएगा, 2,000, क्लियर ना। इनको 64,000 मिलना था, मिला इनको 60,000, 4,000 इनको दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इनको मिलना चाहिए था 32,000, लेकिन
गलती से इनको 30,000 मिला, इनको 2,000 दे देंगे, इनको मिलना चाहिए था 24,000, इनको मिल गया 30,000, तो इनसे हम सब क्या करेंगे 6,000 ले लेंगे, इसलिए इनको डेबिट करेंगे, बाकी लोगों को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देख लो।